नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज और मेरा यूट्यूब चैनल सूरज मैकेनिकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे जितना भी BS4 ट्रक्स है उसको सही तरीके से ड्राइव करने का तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो वीडियो को देखते रहिए आगे तक। सो फ्रेंड्स, सुबह जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे आप तो सबसे पहले पता ही आप लोगों को कूलेंट और इंजन ऑयल चेक करना ज़रूरी रहता है। सो वो चेक कर लेना है फ्रेंड्स पहले। उसका बाद फ्रेंड्स और एक बात, सो जो एयर फिल्टर है फ्रेंड्स, आपका गाड़ी 300 से 400 किलोमीटर चल जाता है तो आउटर वाला जो एयर फिल्टर है उसको क्लीन कर लेना होता है फ्रेंड्स एयर से। सो जो और ये वाटर सेपरेटर दिख रहा है आपको, सो इसको आप 2 से 3 दिन में एक बार यहाँ से ड्रेन दे दीजिए, डीजल को ड्रेन दे दीजिए फ्रेंड्स। तो जितना पानी है सुबह ही देना है फ्रेंड्स, दिन में नहीं, जितना भी पानी है बाहर हो जाएगा। और डीजल टैंकी फ्रेंड्स 1 महीने में एक बार ड्रेनर खोल कर थोड़ा डीजल निकाल देने से हो जाएगा। सो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जब गाड़ी आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इग्निशन ऑन करेंगे। इग्निशन ऑन करने के बाद फ्रेंड्स एक बार मीटर सब कांटा जितना भी है उठ के नीचे चला जाएगा। सो देख सकते हैं, मैं अभी इग्निशन ऑन कर रहा हूँ। सो जो कांटा है सब उठ के एक बार नीचे डाउन हो जाएगा तो ही सेल मारना है फ्रेंड्स, क्योंकि सिस्टम में टोटली कारण से चलता है तो सब सिस्टम में कारण सही तरीके से पहुँच जाए। सो स्टार्ट करने के बाद फ्रेंड्स क्या है, जो की है चाबी है, स्टार्ट करने के बाद ऑपोजिट साइड में उल्टा साइड में थोड़ा घुमा देना है, उसमें जितना प्ले रहता है उतना घुमा देना है, क्योंकि ज़्यादातर सेल्फ ये हिसाब से ही ख़राब होता है। क्योंकि जब गाड़ी आपका 1-1.5 साल पुराना हो जाता है तो चाबी में प्ले हो जाता है तो सेल्फ डायरेक्ट हो सकता है फ्रेंड्स, सेल्फ ख़राब होने का ज़्यादातर वही रीज़न रहता है फ्रेंड्स सेल्फ जलने का। सो आजकल का गाड़ी जितना भी है फ्रेंड्स वो 90 के आसपास टेम्परेचर उठता ही है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करने के बाद एयर उठा लेना है फ्रेंड्स। सो गाड़ी में 9 से 10 का बीच में एयर उठा लेना है। सो आप जब भी गाड़ी ड्राइव करेंगे फ्रेंड्स, आप 6 गियर वाला गाड़ी चला रहे या 9 गियर वाला, सो 20 तक ही चलाइए गाड़ी को तो आपका माइलेज अच्छा रहेगा। 20 RPM तक ही चलाइए, आपका माइलेज सही रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे ये हैंड ब्रेक सिग्नल, बैटरी, ऑयल प्रेशर और चेक इंजन वो सब चला जाना चाहिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जब आप गाड़ी को लोड गाड़ी को जब मूव करेंगे तो जो हाई वाला स्विच है उसको ऑन करके उठाइएगा, हाई वाला जो स्विच है उसको ऑन करना होगा। और जब आप गाड़ी 4-5 नंबर में चला रहा है तो ग्रीन वाले में करके चलाने से बेहतर होगा, क्योंकि सिस्टम में डीजल थोड़ा कम जाता है तो माइलेज आपका गाड़ी का अच्छा रहेगा। सो गाड़ी आप कभी भी स्टार्ट करिए फ्रेंड्स, आपका गाड़ी में एयर है तो 2 नंबर या 3 नंबर गियर लगा के क्लच दबा के स्टार्ट करिए फ्रेंड्स। और एक बात फ्रेंड्स, जब आप गाड़ी को मान लीजिए 3 नंबर गियर में कोई स्पीड वगैरह पार कर लिए, गाड़ी जैसे तैसे पिकअप लेके जा रही है, थोड़ा देर जाके पिकअप ले लेगा गाड़ी, तो वो करना नहीं है फ्रेंड्स। सो आपका गाड़ी जो गियर मांग रहा है सो उसी गियर में गाड़ी को चलाना होता है फ्रेंड्स, तो इंजन का लाइफ अच्छा रहेगा। आपका गाड़ी भी 4 व्हील है, 6x4 है, तो इसको हमेशा रिलीज में रखिए, ये जो लॉक लिखा हुआ है लॉक में मत रखिएगा फ्रेंड्स, लॉक में रखने से आपका डीजल ज़्यादा पिएगा गाड़ी, और जो रिलीज है रिलीज में रख के चलाना होगा। जब आपका गाड़ी कहीं फंसता है कीचड़ उचड़ में तो लॉक करके बीच वाला डिफ्रेंशन लॉक करके आप गाड़ी को चला सकते हैं फ्रेंड्स। और एक बात, आप जब भी गाड़ी पार्किंग करते हैं हैंड ब्रेक यूज़ करिए, आप जितना हैंड ब्रेक यूज़ करेंगे आपका जो ब्रेक चैम्बर डायफ्राम है उसका लाइफ उतना ज़्यादा रहेगा। सो हम लोग अभी जितना भी ब्रेक चैम्बर ख़राब मिला है, जितना भी गाड़ी का ब्रेक चैम्बर ख़राब मिला है फ्रेंड्स, वो लोग क्या है हैंड ब्रेक उतना यूज़ कर नहीं रहा था, सो उसी का रीज़न से ब्रेक चैम्बर ज़्यादा ख़राब होता है फ्रेंड्स। सो देख सकते हैं। और एक बात, गाड़ी में जब आप रनिंग करेंगे तो
क्लच को बिल्कुल भी दबा के गाड़ी मत चलाइए फ्रेंड्स, क्योंकि ये एयर क्लच है, थोड़ा दबाने से ही अंदर में बहुत फर्क पड़ता है क्लच प्लेट में। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल में नया तो सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ फ्रेंड्स मैं, ओनली फॉर न्यू मॉडल गाड़ी होगा। सो ओके बाय।